हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेता ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हमने जो अपने पास सॉरी प्रीवियस जो लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास कि आपके पास एक डबलेट और एक सोर्स और एक सिंक, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखे गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा या जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो कैसे डिफाइन होगा, और उसके लिए आपके पास जो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एप्लीकेशंस इसकी, तो इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं हम आज। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस कि जो सोर्स और सिंक है उनका अगर आप एक पेयर बना के उनको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना हो, ठीक है, सिचुएटेड करते हैं, तो उनके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपने को कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा और जो स्ट्रीम लाइन होगा, सॉरी जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो हम पहले कंसिडर करते हैं, तो एप्लीकेशन नंबर वन, ठीक है, फर्स्ट की बात करता हूं मैं। लेट अस कंसीडर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एट ए पॉइंट ए कोमा जीरो, एट ए पॉइंट ए कोमा जीरो एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो। लेट अस कंसीडर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एट ए पॉइंट ए कोमा जीरो एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम एट ए पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो। हमने क्या कंसीडर किया है, देखो, एक तो आपने लिया है सोर्स, ठीक है, वो सोर्स तो कहाँ आपके पास ए कोमा जीरो पे, एंड एक हमने लिया है सिंक, ठीक है, एक हमने सिंक कंसीडर किया है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो माइनस एम है और वो कहाँ सिचुएटेड है, माइनस ए कोमा जीरो पे। ठीक है, तो उसके कारण हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, एक तो जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो निकालना है। उसके अलावा हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो वेलोसिटी पोटेंशियल और एक स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा हूं द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले निकाल रहे हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, पता है आपको, तो देखो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, सिंस वी नो दैट डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, माइनस एम वन लॉग ऑफ जेड माइनस ए वन माइनस एम टू लॉग ऑफ जेड माइनस ए टू माइनस एम थ्री लॉग ऑफ जेड माइनस ए थ्री सो ऑन। ठीक है, ये होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो यहाँ से देखो, अब आपके पास आपके पास जो आर्टिकल हैं, ठीक है, वो कितने हैं, दो ही हैं, एक सिंक है एक सोर्स है। ठीक है, तो हम इसके लिए किसके यूज करेंगे, सिर्फ टू के लिए यूज करेंगे। तो देखो, जहाँ फर्स्ट वाले की जो स्ट्रेंथ है वो प्लस एम है, सेकेंड वाले की माइनस एम है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है डब्ल्यू इक्वल हो गया माइनस, इसकी स्ट्रेंथ तो एम है
लॉग ऑफ जेड माइनस ए वन कहाँ रखा हुआ है, वो ए पे रखा हुआ है, ठीक है, माइनस ये सेकेंड वाले की माइनस एम है, लॉग ऑफ जेड माइनस और माइनस ए पे वो रखा हुआ है, और बाकी आपके पास कुछ है नहीं तो दो ही हैं, तो फिर इसका क्या w बराबर ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम लॉग ऑफ जेड प्लस ए, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। इसी को देखो और अरेंज करनी, तो w इक्वल ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस एम या सॉरी एम कॉमन ले लो या माइनस एम कॉमन ले लो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस एम कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखो माइनस एम कॉमन लोगे तो माइनस एम कॉमन लेते ही आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ जेड माइनस ए माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस ए, यही बनेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ से w इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए और जेड प्लस ए, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ये तो क्या हुआ आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है, अब इसका मैं एक आपको रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, चलो इसका एक रफ डायग्राम रफ स्केच तैयार करते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपके पास ओरिजिन है ही, ठीक है, आपके पास एक तो रखा हुआ है किस पे, ए कोमा जीरो पे, तो ये लो, ये हो गया प्लस एम और ये हो गया पॉइंट ए कोमा जीरो, एक इसी के लिए रखा हुआ है माइनस एम और वो रखा हुआ है माइनस ए कोमा जीरो पे, इन दोनों के कारण कोई पॉइंट पी है यहाँ, चलो तो इसको थोड़ा सा और वाइड ले लेते हैं, पी एक्स कोमा वाई, जहाँ मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे देखो इनको मैच करवा देते हैं, ये लो ये वाले डिस्टेंस मान लेते हैं आर वन है, ये वाले डिस्टेंस मान लेते हैं आर टू है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा वन मान लो, ये वाला जो एंगल है वो थीटा टू मान लो, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर वन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर टू, ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रफ डायग्राम और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब पर्टिकुलर बात करते हैं इसके वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या आपने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देखो मैं दिखा देता हूँ आपके पास, ये रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्लू, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें आपके पास एक सोर्स और एक सिंक क्या रखे हुए हों, किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट पे रखे हुए हों, ठीक है, तो उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा डब्ल्यू इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस ए जेड प्लस ए। इसके बाद में हम इसके पर्टिकुलर बात करेंगे स्ट्रीम लाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल की, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा जाता है वेलोसिटी का, तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, मैग्नीट्यूड ऑफ
velocity, magnitude of velocity, और वो आपको पता है कैसे निकालते हो आप। ठीक है, देखो सिंस क्यों इक्वल होता है आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मैग्नीट्यूड, सॉरी सिंस क्यों इक्वल होता है आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मैग्नीट्यूड, यानी डब्ल्यू को आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और उसका क्या लोगे फिर मैग्नीट्यूड, वो आपके पास क्या होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ठीक है, तो देखो आपने डब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे कैलकुलेट की है, सिंस सिंस वी नो दैट डब्ल्यू इक्वल क्या है आपके पास माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए जेड प्लस ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को देखो मैं और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूँ, तो W इक्वल क्या है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, W इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस ए माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस ए, और इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये मैंने W की वैल्यू लिखी, देखो इक्वेशन वन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो देखो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल माइनस एम लॉग का करोगे तो देखो वन अपॉन जेड माइनस ए, और ये तो हो गया किसका आपके पास लॉग का, और z माइनस ए का करोगे तो इसका हो गया वन, फिर यहाँ से फिर से लॉग का करोगे तो z प्लस ए, क्योंकि जो लॉग x का होता है वो क्या होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, और z का किया फिर से वन। ठीक है, देखो एलसीएम ले लो दोनों तरफ, माइनस m एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया एलसीएम z माइनस ए इंटू जेड प्लस ए, यहाँ तो बन जाएगा आपके पास जेड प्लस ए, यहाँ बन जाएगा आपके पास जेड माइनस ए। ठीक है, वो इसी को और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल क्या बनेगा क्या माइनस एम जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए, और बन जाएगा आपके पास जेड माइनस ए जेड प्लस ए। चलो जेड से जेड कैंसिल हो गया, ठीक है जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस टू एम ए अपॉन जेड माइनस ए और जेड प्लस ए, क्या यही बनेगा। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या लेना है इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड लो दोनों तरफ, तो ये हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इधर भी ले लो माइनस टू एम ए अपॉन जेड माइनस ए जेड प्लस ए। ठीक है, मॉड्यूलस तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी से देखो ये अलग अलग हो जाएगा माइनस टू ए एम अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड प्लस ए। अब आप जानते हो देखो कॉन्स्टेंट का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो फिर से कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल हो गया टू ए एम अपॉन जेड माइनस ए और जेड प्लस ए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इसको लिखना चाहूँ तो देखो मैं ये टू एम क्या जेड होता है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और ये माइनस का ए और यहाँ से क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या इसको ऐसा और कैलकुलेट किया जा सकता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, देखो टू ए एम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो
मॉड होता है, जो मॉड्यूलस होता है यानी मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से रियल पार्ट एक्स माइनस ए बन रहा है, तो ये तो बन जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाई का स्क्वायर इंटू, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ओपन करोगे तो क्या इसका रियल पार्ट एक्स प्लस ए है, तो ये लो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ए एम अपॉन आर वन इंटू आर टू। ये लो, ये हमने प्रूफ किया किसके लिए, जो आपके पास क्यों मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यों इक्वल। ये लो, ये हमने निकाल लिया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब आपके पास नंबर, जो डिस्टेंस यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो आपके पास किस में हो, कार्टेशियन में। देखो डिस्टेंस मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ, प्रीवियस स्लाइड में देखो क्या इन दोनों के बीच की, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, थोड़ा सा ऊपर लिख दो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। टेंथ क्लास में पढ़ते हैं आप, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, यही होता है। तो इसी को क्या लिखते, देखो एक्स टू, एक्स टू तो एक्स है और एक्स वन कितना है, ए है, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू तो वाई है और वाई वन कितना है, जीरो, इसका होल स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपके पास कि आर वन होगा क्या। तो जहाँ ये बनेगा वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वन लिख सकता हूँ। इसी प्रकार सिमिलरली देखो इन दो पॉइंट के बीच की बात करूँ तो यहाँ क्या देखो, एक्स टू तो वो तो एक्स है और एक्स वन है माइनस का ए, तो ये प्लस का ए हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आर टू बनेगा। तो जहाँ ये बनेगा वहाँ आर टू लिख सकता हूँ, जहाँ ये होगा वहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, आर वन। तो यही रिलेशन देखो मैंने इसमें यूज किया है। मेरे पास देखो, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा था, देखो आपको पता है मोड जेड कितना होता है, मोड जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको क्या लिखते हो आप, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यही है मेरे पास, यहाँ आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास देखो एक्स माइनस ए दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, टू ए एम क्या ये एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस ए प्लस आयोटा वाई, ये लो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला आपको क्यों, और क्यों कितना आ गया, टू ए एम अपॉन आर वन इंटू आर टू। ठीक है, क्या मिल रहा है, क्यों इक्वल हो गया टू ए एम अपॉन आर वन इंटू आर टू। ये मिला आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब मैं इसी को पोलर में हैंडल करना चाहूँ कि मैं इसको अगर पोलर में लेके डिस्कस करें। ठीक है, तो इसी को देखो पोलर में डिस्कस करते हैं अपन। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स किसमें बात कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं। तो देखो पोलर्स कोऑर्डिनेट्स में बात करेंगे तो क्यों इक्वल हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मैग्नीट्यूड इक्वल, ऊपर तो दिया हुआ है टू ए एम, नीचे दे रखा है जेड प्लस ए इंटू जेड माइनस ए, ऐसा। ठीक है, तो पोलर में आप जानते हो कि जेड इक्वल क्या होता है, बस आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो जेड इक्वल ये पुट कर देते हैं हम, तो क्यों इक्वल बन जाएगा आपके पास टू ए एम अपॉन आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ए आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है। और आप जानते हो ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये होता है आर, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से इसको आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसा लिखा जा सकता है, सॉरी आर इसके साथ में भी आर है यहाँ। ठीक है,
अब यही रिलेशन में क्या करता हूँ, ये चीज़ें यहाँ पुट कर दो। देखो तो यहाँ पुट करोगे तो क्यू इक्वल बन जाएगा 2 AM अपॉन तो यहाँ से देखो आर तो बाहर आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस ए, ये तो ये बनेगा। सेकेंड क्या रहेगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ए, ये रहेगा आपके पास सेकेंड। तो यहीं से देखो क्यों इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 AM अपॉन आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा प्लस ए, ये तो फर्स्ट वाला। सेकंड, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा माइनस ए, ये सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्यों इक्वल ऐसा लिखा जा सकता है 2 AM अपॉन ये जो हो गया, ये तो रियल पार्ट तो हो गया आर कोस थीटा प्लस ए, और ये हो जाएगा आयोटा आर साइन थीटा, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसी प्रकार इसमें देखो आर कोस थीटा माइनस ए, ये तो हो गया रियल पार्ट, और आयोटा आर साइन थीटा, ये हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब देखो दो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दिखा हुआ है, तो देखो मैग्नीट्यूड को सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे तो क्यों इक्वल आ जाएगा 2 AM, नीचे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ओपन करो इसको, ये बनेगा आर कोस थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर कोस थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी में कोई इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इनको। ठीक है, क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं। तो देखो क्यों इक्वल, ऊपर तो आपके पास 2 AM जो तो चल ही रहा है। ठीक है, इस वाले को ओपन करते हो, देखो इस वाले को ओपन करोगे तो यहाँ से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2 AR कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ से तो ये बनेगा इनटू, इस वाले को ओपन करोगे तो क्या बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस 2 AR कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ओपन करने पे। तो देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सिमिलरली इसमें आर स्क्वायर और इसमें आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1 होता है आपके। तो देखो तो ऐसे क्यू इक्वल बन जाएगा 2 AM ओवर, देखो यहाँ से ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों में मैंने आर स्क्वायर को मान लिया है। तो इसी प्रकार सिमिलरली देखो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR कोस थीटा, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा इधर देखो क्यों इक्वल
टू ए एम अपॉन, ये तो ऐसा लिखा जा सकता है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का टू ए आर कोस थीटा इंटू, क्या ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर कोस थीटा। तो यहाँ देखो मैं एक रिलेशन एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, मैं लिखूँ रूट ए प्लस एक्स, सॉरी सिंस रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल लिखा जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर देखो कि ये भी यही बन रहा है, इसको ए मान लो इसको एक्स मान लो, तो ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं रूट ऑफ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए आर कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, तो एक्सपेंड करते हैं, तो देखो एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, क्या क्यू इक्वल मिल जाएगा आपके पास टू ए एम अपॉन आर की पावर फोर ए की पावर फोर प्लस टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या किया जाए, क्या इन दोनों टर्म में ये कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर ए स्क्वायर, टू टाइम आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है, ताकि वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा बन जाए। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिखता हूँ मैं, क्यू इक्वल लिखा मैंने टू ए एम अपॉन ये आर की पावर फोर, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और वो बन जाएगा अंदर वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा और साथ में ए की पावर फोर, और वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस ऑफ टू थीटा माइनस कोस ऑफ टू थीटा। देखो इधर लिख देता हूँ मैं, कॉस टू थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें सिर्फ ये रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो कॉस टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस कॉस टू थीटा, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो आप क्यों इक्वल, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको टू ए एम अपॉन आर की पावर फोर माइनस टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस टू थीटा प्लस ए की पावर फोर, ये लो ये मिल गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो इसको एक बार देखो क्यू की रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
देखो टॉपिक आपके पास क्या दिया हुआ है, हम निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, क्यों इक्वल होता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो सिंस वी नो दैट डब्ल्यू इक्वल होता है माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए, तो डब्ल्यू इक्वल लिख सकते हो माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए माइनस लॉग जेड प्लस ए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन नाम दिया, वन दिया, ठीक है। अब इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बनेगा, माइनस एम तो कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, लॉग का करोगे तो लॉग का क्या होता है वन अपॉन जो भी लॉग में क्वांटिटी होती है वो वन अपॉन में शिफ्ट हो जाती है, तो वन अपॉन जेड माइनस ए, और जेड का करोगे तो वन और ए आपके पास कॉन्स्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, माइनस इसका करोगे तो ए भी लॉग में जो क्वांटिटी वो नीचे शिफ्ट हो गई और ये हो गया आपके पास वन। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल हो जाएगा माइनस एम जेड प्लस ए जेड माइनस वन। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके सोल्व करने पे बाद देखो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट मिला है वो ये मिला है माइनस टू एम ए अपन जेड माइनस इंटू जेड प्लस ए। लेकिन आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उस तक काम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हूँ, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस टू एम ए अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड प्लस ए इक्वल। अब देखो मॉड्यूलस है वो दोनों तरफ क्या ऊपर नीचे अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस टू ए एम का अलग से और नीचे वाले का अलग। अब देखो कॉन्स्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिर से कॉन्स्टेंट ही होता है, तो ये देखो माइनस टू ए एम है उसका टू ए एम हो जाएगा, और नीचे आपके पास जेड माइनस ए और जेड प्लस ए। अब देखो यहाँ से तो जेड क्या होता है आपके पास, जेड होता है जिस पॉइंट पे आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या निकालना है, पी पे निकालना है, पी पे के इसके उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे एक्स कोमा वाई। तो देखो एक्स प्लस मैंने जेड की जगह रखा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए, और ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस ए, ठीक है। तो मोड जेड क्या हो जाएगा आपके पास, मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और तो जेगा क्या होता है आपको पता है मोड जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो ये रियल पार्ट का स्क्वायर किया और ये मैंने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से देखो क्या इसका रियल पार्ट एक्स माइनस ए है और इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस का आयोटा वाई, क्या इसका रियल पार्ट एक्स प्लस ए है और क्या इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई है। तो देखो स्क्वायर रूट करोगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर वन है और ये वाली डिस्टेंस आर टू है। देखो मैं दिखा देता हूँ पीछे वाली प्रीवियस स्लाइड में, देखो ये वाली डिस्टेंस, देखो सोर्स की डिस्टेंस पीछे डिस्टेंस निकाला हमने इस वाले फॉर्म में एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ गया और इसी को आप क्या बोलते हो आर वन। इसी प्रकार देखो सिंक की डिस्टेंस आर टू कंसिडर कर रखिए और आर टू के आपके पास रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसी के लिए तो क्यों इक्वल बन गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ए एम अपॉन आर वन इंटू आर टू, ये तो हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट के और सोर्स के वो किस में दिए हों आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखो अब हम क्या निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो क्यों इक्वल हो जाएगा आपके पास मोड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो ये देखो टू ए एम जेड प्लस ए इंटू जेड माइनस ए मोड ऑफ। अब आप जानते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जेड क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ जेड तो ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर को मल्टीप्लाई कर दो तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो देखो यही रखा मैंने, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ क्या रखा आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ देखो आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन, आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए, ठीक है, ये प्लस ए और ये माइनस ए। सोल्व करते हैं देखो ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू को एक्सपेंड किया तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस का ए, यहाँ से आर ब्रेक कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ए, ठीक है। इसी को देखो फर्दर सॉल्व करने पे क्यों इक्वल हो गया टू ए एम, ठीक है, ओवर मॉड्यूलस ऑफ आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा प्लस ए, और यहाँ से आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा माइनस ए। तो क्यों इक्वल हो जाएगा टू ए एम अपॉन मोड ऑफ आर कोस थीटा प्लस ए प्लस का आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से मोड ऑफ आर कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्यों इक्वल क्या क्यों इक्वल बन जाएगा टू ए एम। अब देखो ये तो रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट में, तो रूट ऑफ देखो इस रियल पार्ट का स्क्वायर किया
प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर किया मैंने इनटू, यहाँ भी देखो ये रियल पार्ट का स्क्वायर किया मैंने और ये इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर किया, ठीक, दोनों का स्क्वायर निकाला तो क्यू इक्वल होगा 2am। अब देखो इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो देखो पहले ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो 2ar, ठीक है, तो 2ar कोस थीटा, ये तो इसको एक्सपेंड प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको करोगे a माइनस बी से तो ए स्क्वायर कितना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कितना, बी कितना आपके पास a है तो ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो माइनस 2ar कोस थीटा, और सिमिलरली आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट रहा। अब देखो इनको अच्छे से अगर मैं इनको ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनको अच्छे से ऑब्जर्व करूँ तो आपके पास क्या दिया हुआ है कि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्या इन दोनों में आर स्क्वायर को मान लूँ तो आर स्क्वायर को मान लूँगा तो क्या बनेगा अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो आपके पास कितना होता है वन। इसी प्रकार देखो सेकेंड वाले रूट में आपके पास फर्स्ट वाले टर्म में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है और लास्ट स्क्वायर वाले टर्म में दे रखा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या इन दोनों में मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में मैं क्या कॉमन लूँगा मैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो देखो इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन लिख के लिखा तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है वन, तो फर्स्ट वाली टर्म तो बन गई आर स्क्वायर, सेकेंड दे रखा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, ये तो हो गया फर्स्ट रूट। सेकेंड वाले रूट में देखो क्या बन रहा है रूट ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में तो देखो आर स्क्वायर फिर से कॉमन लूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर, ये सेकेंड वाले टर्म ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ठीक है, तो क्या देखो यहाँ से इसको ऐसा क्यों इक्वल हो गया 2am, इन दोनों को मैंने साथ लिखा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को साथ लिखा माइनस 2ar cos थीटा। अब देखो यहाँ से सिंस रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स इक्वल क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स होता है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, तो क्यों इक्वल हो जाएगा आपके पास 2am रूट ऑफ, देखो इसको एक्स ए मान लो इसको एक्स मान लो तो ये ए प्लस एक्स और ये ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देखो क्यों इक्वल हो गया 2am अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्यों इक्वल हो गया 2am रूट ऑफ, अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो एक प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले देखो आर स्क्वायर था तो आर की पावर फोर, ए स्क्वायर था तो ए की पावर फोर प्लस 2ab यानी 2r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, अब आपको इसका स्क्वायर करना है तो 4a स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दो टर्म को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ थर्ड और लास्ट को तो इन दोनों में क्या r 2r स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो देखो यहाँ मैंने आगे लिखा क्यू इक्वल 2am अपॉन रूट ऑफ r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो देखो यहाँ तो बनेगा 1 और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और ये लास्ट में a की पावर 4। अब आपको पता है देखो cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके आपके पास बहुत से फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है, तो यहीं से देखो मैं लिख देता हूँ, मैं इसी को और लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये जगह 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, तो ये होता है आपके पास कोस का कोस के टर्म में फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो r की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की पावर 4, तो क्या ये माइनस का 2 कोस थीटा बन जाएगा, तो ये देखो यहाँ से क्यों इक्वल हो गया 2am ओवर रूट r की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस 1 की पावर 4। ये आपके पास क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये किसकी मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब आपको एक तो निकालना है वेलोसिटी पोटेंशियल करो,
ठीक है, और एक निकालना आपके पास स्ट्रीम लाइन के लिए करूँ। तो पहले देखो मैं जनरल बात कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, इसी से थोड़ा सा इसी को देखो यहीं थोड़ा सा समझते हैं, फिर करो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसी से निर्णय देना हो तो देखो डब्लो वाला आपको मिला क्या, लॉग ओ सॉरी माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए ओवर जेड प्लस ए, यही दिया हुआ। इसमें मैं इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर मतलब तो यहीं से अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द वेलोसिटी पोटेंशियल, द वेलोसिटी पोटेंशियल, और जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपके पास W इक्वल होता है आपके पास, आपको पता है देखो आपने प्रीवियस में लिखा माइनस एम लॉग आर, यही होता है हमने डिस्कस किया रखा है पहले। तो क्या यहाँ से m इक्वल हो जाएगा माइनस का m लॉग ऑफ r1, फर्स्ट वाली डिस्टेंस r1 है, माइनस माइनस ऑफ m सेकेंड वाली डिस्टेंस आपके पास r2 है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ w इक्वल माइनस m लॉग r1 प्लस m लॉग r2। देखो इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैंने m कॉमन लिया वो भी माइनस में, माइनस m कॉमन लोगे तो देखो ये log ऑफ r1 माइनस log ऑफ r2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको w इक्वल ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं माइनस m log ऑफ r1 अपॉन r2, ये लो सॉरी हम बात करें वेलोसिटी पोटेंशियल की, तो यहाँ फाई आएगा ना कि डब्लू, तो वेलोसिटी पोटेंशियल को डिनोट करते हैं फाई से। ये तो हो गया वेलोसिटी पोटेंशियल। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रीम फंक्शन की बात करूँ वो भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, देखो स्ट्रीम फंक्शन साई, तो देखो साई को आपने क्या लिख रखा है एम वन थीटा वन माइनस एम टू सॉरी ये हमने पहले कैलकुलेट किया था एम वन थीटा वन के लिए, और सॉरी यहाँ भी माइनस है पहले हमने ये चीज़ें फाइंड की थी माइनस एम थ्री थीटा थ्री माइनस एम फोर थीटा फोर सोन इस प्रकार से, लेकिन हमारे पास तो दो ही दिए हुए हैं। तो देखो साई इक्वल कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए माइनस एम दिया हुआ है और उसका इंक्लिनेशन थीटा, माइनस सेकेंड वाले के लिए माइनस एम दिया हुआ है और उसके लिए थीटा टू है। तो साई इक्वल कितना हो जाएगा माइनस एम थीटा वन प्लस का एम थीटा टू। तो इसी को क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो इसी में देखो एम और कॉमन ले लो क्या माइनस एम थीटा वन माइनस थीटा टू ले लो, और इसी के करस्पॉन्डिंग आपको पता है W आप क्या लिखते हो फाई प्लस आयोटा साई, तो फाई की वैल्यू रख दो और आयोटा साई की वैल्यू रख दो, वो आपके पास क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो अब हमें देखो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इसमें हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, इसमें हमने डिस्कस किया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी जो फ्लूड पास आउट होगा यानी वो जो जनरेट करेंगे उस फ्लूड की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया कि उस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए जो सिंपल वेलोसिटी पोटेंशियल और जो आपके पास स्ट्रीम फंक्शन लिखा जाएगा वो कैसे फाइंड करेंगे।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपके पास पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है।